हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, नीट का एक क्वेश्चन। कंसीडर एन इंक्लाइन प्लेन हुज अपर हाफ इज रफ वाइल लोअर हाफ इज स्मूथ। तो देखो, ये एक इंक्लाइन प्लेन माना है हमने, इसका अपर हाफ रफ है और लोअर हाफ स्मूथ है। ये डायग्राम गिवेन है हमें। फ्रिक्शन कॉपिशंट ऑफ द रफ सरफेस, कॉपिशंट ऑफ फ्रिक्शन कॉपिशंट जो है रफ सरफेस का, वो हमें यहाँ गिवेन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक तो हमें म्यू गिवेन है, कितना 0.8, ठीक है, ये ध्यान रखने वाला, ठीक है। 1 पॉइंट, अ हैवी रोप ऑफ मास एम, इस पूरी ये रोप है आपकी, पूरी हैवी रोप है, इसका मास एम है, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन सच दैट इट्स रिमेन इक्विलिब्रियम। ये रोप इस तरह से रखी है कि ये किस में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है, मतलब स्टेशनरी रहती है, रेस्ट में रहती है। वॉट मिनिमम फ्रैक्शन है, ये फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट मिनिमम फ्रिक्शन पूछ रहा है, फ्रिक्शन नहीं पूछ रहा है, व्हाट मिनिमम फ्रैक्शन, इस पे ध्यान दो, इस पे ऑफ रोप, खासकर इस वाले वर्ड पे ध्यान दो। ये फ्रिक्शन नहीं पूछ रहा, फ्रैक्शन ऑफ रोप पूछ रहा है, इज रिक्वायर्ड ऑन रफ सरफेस फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। तो एक सबसे पहले तो बताओ, इस पूरी रोप का जो मास है वो एम है, तो इस पूरी रोप का जो वेट होगा यहाँ पे वो एम जी होगा। और पूरी रोप का अगर इस एम जी का कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट तो ये आएगा और एक इधर आएगा, ये ऐसे। तो इस रोप का जो वेट होगा नीचे की तरफ फिसलने वाला, ये 37 है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 53 डिग्री और ये 37 डिग्री। अगर इस एम जी की कंप्यूट करें तो ये वाला जो आएगा, ये वाला, ये आएगा एम जी साइन 37 डिग्री। तो इस रोप को जो नीचे फिसलाने में हेल्प करेगा वो एम जी साइन 37 ही होगा। तो इस जगह पर, इस रोप पर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जो फिसला सकता है इसको, मतलब स्लिप कर सकता है, वो एम जी साइन 37 ही है। यहां पर इसको मैं बोल रहा हूं अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड डाउनवर्ड फोर्स ऑन रोप जो मूव करा सकता है इस पर, वो है केवल, और कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया ही नहीं है इस पर बेटा, बस यही है एम जी साइन 37, ठीक है, कैपिटल एम बना देता हूं। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट एक। दूसरा क्या कह रहा है कि इसमें मान लो कि रफ सरफेस जो है ना आपका, ये वाला देखो, नेक्स्ट एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, उस पर समझना है इसको, ठीक है। ये आपका इंक्लाइन प्लेन था, ये 37 डिग्री, ये रोप थी। तो मान लो कि यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस रफ सरफेस में है, ये वाली सरफेस किस में है, रफ सरफेस में है, ये वाला, इधर वाला ये रफ है और इधर वाला इस लाइन से इधर ये स्मूथ है। तो अगर मैं यहां पर इस रोप का मास निकालूं जिसकी लेंथ एक्स है, पूरी रोप का मास तो कैपिटल एम है लेकिन, और इस रोप की लेंथ में कंसीडर कर लेता हूं पूरी एल है, ऐसे ये लेंथ एल कंसीडर कर ली। तो देखो, एल लेंथ का मास तो कितना था बेटा, एल लेंथ का जो मास था वो कैपिटल एम था। तो एक का कितना हो जाएगा, तो एक का जो मास हो जाएगा, मास करंट लेंथ बोलेंगे, वो एम बाई एल हो जाएगा। तो एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एक्स लेंथ का मास निकालेंगे तो जो हो जाएगा वो एम बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। अब इतना जो मास है ना रोप का, वो रफ वाले पोर्शन में है और बाकी का स्मूथ पोर्शन में है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स, वो तो रफ वाले पोर्शन में लगेगा, पूरे में तो लगेगा नहीं, है ना। तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा मैक्सिमम अगर वो निकालना चाहें, तो देखो केवल हमें कौन सा मास का वो कंपोनेंट लेना है जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है, वो देखना होगा। इसीलिए देखो, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस, स्टैटिक फ्रिक्शंस,
फ्रिक्शन फोर्स एफ एस मैक्सिमम वो निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा म्यू इंटू एन। अब बेटा इस पूरे रूप का नॉर्मल इलेक्शन नहीं लेना है आपको, पूरी रोप का नॉर्मल इलेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि पूरी रोप फ्रिक्शन फोर्स पर ही थोड़ी लगा रही है। तो इस रोप का हमें क्या करना है, कंपोनेंट, और ये मैंने मास मान लिया है एम डैश, तो एम डैश जी, और इसका कंपोनेंट करें ये वाला, तो ये 37 है, तो ये भी 37 ही होगा, ये 37 होगा, तो इसीलिए ये जो आएगा एम डैश जी कॉस 37, और नॉर्मल इलेक्शन ऐसे आएगा एन, और एन बैलेंस करेगा इसको, तो एन हियर, एन यहाँ पे क्या है, एम डैश जी कॉस 37 डिग्री, और एम डैश की वैल्यू मैंने निकाली है ये रही कितनी, एम बाई एल एक्स जी कॉस 37 डिग्री, ये नॉर्मल इलेक्शन, इसीलिए यहाँ पे एफ एस मैक्सिमम निकालें, मैक्सिमम स्टडी क्वेश्चन निकालें, ये म्यू और एन की वैल्यू एम बाई एल एक्स जी कॉस 37 डिग्री, ये इतना आ गया। अब सोचने वाली बात क्या है पता है, ये इक्विलिब्रियम में रोप किस में है, तो इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, देखो इसे फिसला कौन सकता है, एम जी साइन 37, यहाँ एम जी साइन 30 लेना है, पूरा की पूरी रोप फिसला सकती है ना, पूरा वेट तो डाउनवर्ड लग रहा होगा ना, लेकिन पूरी फ्रिक्शन पूरी रोप में नहीं है, फ्रिक्शन एक्स लेंथ लेट करी, तो एक्स लेंथ में ही आपका फ्रिक्शन होगा, तो इसलिए मैंने फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए नॉर्मल एक्शन का कंपोनेंट अलग तरह से किया है, ये समझने का विषय है यहाँ पर, ये कॉन्सेंट्रेट करने का पॉइंट है। चलिए आगे, अगर आपको इतना समझ में आया है तो आपको क्या करना है, फिसला कौन सकता है इसको पूरा की पूरा वेट, तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम ऑफ रोप, अगर रोप को आप इक्विलिब्रियम में रख रहे हो, तो उसके लिए जो एम जी साइन 30 है, 37 है, एम जी साइन 37 है, ये कम होना चाहिए, क्योंकि ये भी फिसलाएगा, किससे कम हो या इक्वल होना चाहिए एफ एस मैक्सिमम के, अगर ये वाला ही तो फोर्स से फिसला सकता है नीचे की तरफ, और कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा भाई, तो अगर ये जो फोर्स है वो एफ एस मैक्सिमम से, मैक्सिमम स्टडी डिस्टेंस से कम है या इक्वल है, तो वो नहीं फिसलेगी रोप, अगर ये वाला फोर्स इससे बड़ा हो जाता तो फिसल जाती, ठीक है। तो यहां पर एम जी साइन 37 लेस देन इक्वल टू, और ये जो एफ एस मैक्सिमम है वो मैंने निकाल रखा है, देखो ये रहा म्यू एम ओवर एल एक्स जी कॉस 37, ठीक है। तो देखो एम जी से एम जी कैंसिल, यहां बचा ये साइन 37, और इसमें से इधर से लेस देन इक्वल टू, चलो एक बार लिख लेता हूं क्या बच रहा है, म्यू एक्स बाई एल कॉस 37 ये है, तो यहां से एक्स वाई एल निकालो आप, तो एक्स वाई एल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एक्स वाई एल की तरफ तो ग्रेटर है, देखो ग्रेटर तो एक्स वाई एल की तरफ ही है ना, ग्रेटर देन, तो ये तो निकालना है, ये नीचे आ जाएगा इधर, साइन 37 डिवाइडेड बाई म्यू कॉस 37, एक्स वाई एल ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 1/μ tan 37, टेन 37। अब टेन 37 में अगर ये ट्रिक होती है थोड़ी सी, यहाँ ये ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, और ये 90 डिग्री, भाई तीनों एंगलों का सम 180 होता है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल 180 डिग्री हो गया, 37 वाली साइड सबसे छोटी, 53 वाली उससे बड़ी, और 90 डिग्री वाली सबसे बड़ी, है ना, तो टेन 37 निकालना है मेरे को इसमें, टेन 37, तो टेन 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूस, जो बच गया वो बेस, तो एंगल 37 है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4, तो एक्स वाई एल ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ तो 0.8 है, और इसकी वैल्यू है 3/4, 0.8 को अगर मैं लिखूं तो 0.8 हालूँ तो 10/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3/4,
दो से इसे काट दूं 5 बार और दो से इसे काट दूं 2 बार, एक्स वाई एल ग्रेटर देन इक्वल टू 15/16। तो देखो एक्स वाई एल की मिनिमम वैल्यू कितनी, एक्स वाई एल की जो मिनिमम वैल्यू है वो बराबर वाली तो होगी। एक्स वाई एल या तो 15/16 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, या तो ग्रेटर या इक्वल। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी बोलेंगे, ग्रेटर वाली या मिनिमम इक्वल वाली, इक्वल वाली। तो 15/16 ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। अब बच्चा सोचता है कि सर ये क्यों निकाला आपने, एक्स वाई एल क्या निकाला। तो एक छोटा सा कॉन्सेंट्रेट करिए बेटा, वॉट मिनिमम फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कह रहा है, फ्रिक्शन नहीं, ऑफ रोप इज रिक्वायर्ड ऑन रफ सरफेस फॉर इक्विलिब्रियम। तो जानते हो इसका नाम क्या है, इसका ये मिनिमम फ्रैक्शन हो गया, मिनिमम फ्रैक्शन, मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ रोप, अभी समझाता हूं, और इज रिक्वायर्ड क्या लिख रहा है, ऑन रफ सरफेस, ऑन रफ सरफेस, रफ सरफेस। देखो एक्स मैंने क्या माना था, रफ सरफेस की लेंथ मानी थी कि कितना रोप की कितनी लेंथ रफ सरफेस पर है ना। अब फ्रैक्शन का मतलब समझो, थोड़ा सा मैं रफ में अलग पेज पे समझाता हूँ कि व्हाट द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। जानते हो फ्रैक्शन ऑफ रोप कह रहा है, फ्रैक्शन ऑफ रोप तो ये होता है चेंज इन लेंथ, रोप में तो लेंथ ही लेंगे, डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ कह सकते हो, इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ। तो बेटा आपका रोप का जो, जब रोप सरक रही हो ना ऐसे, तो मान लो ये रफ है, तो अभी तो पूरी रफ पर है, पूरी रफ पर है ऐसे, स्मूथ पर गई नहीं, तो एक्स जीरो अभी। अब ये सरकेगा जैसे जैसे आगे, तो एक्स बढ़ता जाएगा, रफ जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, कितना पोर्शन अभी किस पे रहा है, ये रफ पे रहा है, रफ पे कितनी लेंथ रही है, तो ओरिजिनल लेंथ तो इसे लिखेंगे एक्स माइनस के जीरो डिवाइड बाई एल, ये चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ द रोप। तो चेंज इन लेंथ कितनी, एक्स माइनस के जीरो, एक्स माइनस के जीरो मतलब आपका इनिशियल, पहले आपका ये कह दो आप, क्या कहूँ कि रोप का आपको कौन सी लेंथ निकालनी है, जैसे ये है कि कितनी ये लेंथ है रफ पर, ये रफ वाली लेंथ निकालनी है, ये कितनी फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन तो एक्स वाई एल को ही बोलेंगे पूरे को, नहीं आया है ना। फ्रैक्शन ऑफ रोप चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ ही होता है, परसेंटेज में निकालते तो याद करो आप चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100 कर देते हैं, है ना। तो ये एक्स वाई एल पूछ रहा है, एक्स इनिशियली जीरो मान लो, जीरो टू एक्स, जीरो टू एक्स डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन बोलेंगे ठीक है। तो यही पूछ रहा है हमसे, मिनिमम फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ रोप इज रिक्वायर्ड ऑन रफ सरफेस। तो एक्स वाई एल मिनिमम पूछ रहा है, तो 15/16। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें मोस्टली बच्चे यहाँ पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ फ्रिक्शन समझ लेते हैं और फ्रिक्शन निकालने में लगे रहते हैं, जो कि गड़बड़ हो जाता है पूरा। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।